রাজ্যে সিপিআইএম কংগ্রেসের অস্তিত্ব নেই। মথা নির্বাচনে লড়াই না করলে শাসক বিজেপি পঞ্চাশটি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসত। কেননা বর্তমানে রাজ্যে ত্রিপুরা সাহেবের প্রথম পছন্দ ছিল ত্রিপুরা মথা, দ্বিতীয় পছন্দ ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি, কিন্তু সিপিআইএম কংগ্রেস কারোর পছন্দই ছিল না। শুক্রবার বিধানসভা থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। পাশাপাশি তিনি এদিন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার বিষয় নিয়েও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এদিন বলেন, যদি সেখানে মথা প্রার্থী দিত তাহলে জিতেন চৌধুরী পরাজয় নিশ্চিত ছিল। প্রদ্যুৎ কিশোর এদিন স্পষ্ট ভাষায় পরোক্ষভাবে বলেন, হিন্দু বাঙালি সবচেয়ে বেশি ভোট দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টিকেই, আর মাইনরিটি ভোট পড়েছে সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের খাতায়, আর ট্রাইবাল ভোট পড়েছে ত্রিপুরা মথায়। জিতেন্দ্র চৌধুরী ইলেকশন মে কিউ জিতা, আপ ইয়ে বাত ইয়ে জো ইয়ে অফিশিয়াল লাইন নেই হ্যায়। দেখিয়ে মাই জানতা হুঁ কি হর পার্টি মে কুছ কুছ এলিমেন্টস হোতে হ্যায়। সিপিএম কা ইয়ে অফিশিয়াল লাইন নেই হ্যায়, कांग्रेस का ये ऑफिशियल लाइन नहीं है, बीजेपी का भी ऑफिशियल लाइन नहीं है। मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन सुरमा। कहीं में लिखा है कि आई डोंट हैव अ राइट टू फाइट इन सुरमा, मेरा हर अधिकार बनता है टू गो एंड फाइट इन मजलिशपुर, मेरा अधिकार बनता है मोहनपुर में फाइट करने के लिए। ये क्या सिर्फ कहीं में लिखा गया है कि यहाँ में कोई रीजनल पार्टी नहीं फाइट कर सकती? और ये बात क्लियरली मानना पड़ेगा कि हिंदू बंगाली वोट इस बार ज़्यादा, आपका सर्वे बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ, हिंदू बंगाली वोट पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बीजेपी को गया, मुस्लिम वोट ज़्यादा ममता को गया, त्रिपुरा में सेम ज़्यादा बीजेपी को गया है, एंड माइनॉरिटी वोट्स ज़्यादा गया है टुवर्ड्स सीपीएम एंड कांग्रेस, और ट्राइबल वोट्स मेरे पास आया है। और आप मुझे बताइए, जो जो सीट्स में, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, आप लोग प्लीज़ अपना सर्वे कीजिए, जो जो सीट्स में ट्राइबल के सीट्स में हम लोग हारे हैं, वहाँ में क्या ये बात नहीं हो सकता था? बागमा हम क्यों हारे, हम क्यों हारे शांतिर बाजार, झामनु, मनु, तो कृष्णपुर, तो ये सब बात है। और सेकंड बात है, आप प्लीज़ देखिए नंबर वन चॉइस, आप सर्वे में देख लीजिए, नंबर वन चॉइस फॉर वोटिंग फॉर द तिपरासा पीपल वॉज त्रिपुरा मथा। आप लोग सब मानते हैं, मानते हैं, आप मानते हैं? नंबर टू चॉइस कौन सा था पार्टी, आप प्लीज देखिए नंबर टू चॉइस कौन सा था, सीपीएम नहीं था, कांग्रेस नहीं था। तो ये स्वाभाविक है कि एक मूव है वहां में, लेकिन मैंने जो किया, अगर त्रिपुरा मथा आज नहीं होता तो आप देखते कि बीजेपी 50 सीट। প্রদ্যুতের এমন মন্তব্যের সত্যতা এখন সকলের সামনে। অন্যদিকে যে জনজাতিদের ভোটের উপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন রাজ্য শাসন করে সিপিআইএম, এক নিমেষে সে সিপিআইএম এর নগ্ন সত্যতা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।